अभी हम लोग एक सिंपल सा सी प्रोग्राम देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। इस पैटर्न को जरा हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये ट्रायंगल जो प्रिंट हो रहा है थोड़ा मिरर्ड है, एंड यहाँ पर पहले स्पेसेस प्रिंट होती है एंड देन डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। एंड जैसे जैसे हम आगे की रो में जाते हैं, वैसे जो हमारे नंबर्स है वो बढ़ते प्रिंट होते जाते हैं। ये पैटर्न थोड़ा ट्रिकी लग सकता है समझने में, बट एक बार हमें पता चल जाए कि कैसे करना है तो हम बड़ी ही आसानी से इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी #include stdio.h, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी int main, और जैसे ही अभी हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इन डेटा टाइप का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी रो, यहाँ पे मैं कॉलम के लिए लिख दूंगी कॉल, एंड देन मैं यहाँ पे यूजर इनपुट फॉर नंबर लेने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक वेरिएबल बना दूंगी नम। अब हमें यूजर इनपुट लेना है फॉर नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे एंड देन स्कैनफ की मदद से यूजर इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ नम, फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे लूप लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लूप लगा देंगे फॉर रो, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर रो इक्वल टू नम। हम लोग यहाँ पे इनिशियली रो को हम लोग अपने यूजर इनपुट के इक्वल रख देंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देन हम लोग यहाँ पे रो को डिक्रीमेंट कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे अंदर आते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे टू प्रिंट स्पेस। अभी हमें यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करनी है, राइट? जैसे कि आपने यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, तो जब हमारा पहला एलिमेंट प्रिंट होता है यहाँ पे 4 एलिमेंट की स्पेस होगी, उसके बाद हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे रो 2 में आते हैं तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स की स्पेस होगी एंड देन हमारे बाकी के 2 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं टू प्रिंट स्पेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर कॉल इज इक्वल टू 1, हम लोग कॉलम को इनिशियली 1 रख देंगे, देन मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेमी कॉलन, फिर कॉलम इज लेस देन रो हम लोग रखेंगे एंड देन हम लोग एंड में कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं स्पेस को प्रिंट करवा दूंगी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ स्पेसेस एंड देन अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेमी कोलन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनर लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे अभी हम लोग लॉजिक लिखेंगे टू प्रिंट नंबर्स। तो फिर मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगाऊंगी, देन मैं यहाँ पे कर दूंगी कॉल इज इक्वल टू रो, मैं यहाँ पे इक्वल रख दूंगी कॉलम को रो के, देन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेमी कोलन, फिर मैं करूंगी कॉल इज लेस देन इक्वल टू नम एंड देन हम लोग यहाँ पे कॉलम को इंक्रीमेंट कर दूंगी। फिर जैसे ही हम लोग इसके अंदर आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉलम को प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ %d कॉमा कॉल दैट इज कॉलम, फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन। अब जस्ट हम लोग इस इनर लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी न्यू लाइन, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ \n और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सेमी कोलन। हम लोगों ने न्यू लाइन इसलिए ऐड की है, अगर आप लोग यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हमारी रो 1 कंप्लीट होती है और हम लोग रो 2 की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो हमारी रो 2 है वो यहाँ पे न्यू लाइन से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे न्यू लाइन का यूज किया है और उसके बाद हम लोग जस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे और लिख देंगे रिटर्न 0। तो बेसिकली जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मैं इसे सेव करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी F9 प्रेस करके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक मैसेज आ रहा है एंटर अ नंबर। अभी हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट ले लेते हैं 5। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जैसा पैटर्न प्रिंट करवाना चाहते थे बिल्कुल वैसा ही पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हुआ है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे।